आ गए। इसे यह इत्मीनान हुआ कि बाकी तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो, उसकी जिंदगी का साथी बनने के लायक हो। काश आयमा को भी ये यकीन मुझ पे होता तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करता। पता नहीं, वो तो मुझसे इतनी बदगुमान हो चुकी है कि आयमा का कसूर नहीं है, उसने जिंदगी में इतनी महरूमियां देखी हैं कि अब उसे किसी पर एतबार ही नहीं रहा। जब उसका बाप उसे छोड़कर चला गया, अब वो किसी पर यकीन नहीं करती। बहुत मुश्किल वक्त देखे हम सबने, इतना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बचपन से देखता आ रहा हूं, आप तो उन्हें बेसहारा कर गए थे ना, बहुत आसानी से। जानता हूं मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है, इसलिए तो मैं इस अजियत से गुजर रहा हूं। इससे निजात की कोई सूरत नजर नहीं आती। लगता है ये गम मेरे साथ ही जाएगा। आयमा को जिंदगी में खुश देखना चाहता हूं जैन। आप क्या करना चाहते हैं आयमा के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। तलत ने आयमा का रिश्ता तय कर दिया, बहुत जल्द वो उसकी शादी करने वाली है और लड़का भी पाकिस्तान पहुंच गया है। मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मैं तो अपना हक खो चुका हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? खाला ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि खाला ने जबरदस्ती की आयमा को, क्योंकि आयमा भी ये सब नहीं चाहती होगी, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। तुमने आने में बहुत देर कर दी जाए। आज वो लोग आ रहे हैं आयमा की शादी की तारीख तय कर। आज शाम होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे ये बता दिया, वरना मैं तो बेखबरी में मारा जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया अदा करना तो फख्र आलम का कर, जिसकी काविशों का ये सारा नतीजा है कि तुम यहां पर आए। थैंक यू, चलता हूं मैं। थैंक यू सो मच।